बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं बोले ले गया हूँ करतारपुर कॉरिडोर के अंदर कुछ वैकेंसी अनाउंस की गई हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह। चलते हैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसी हैं। इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 16 अगस्त 2021 है। प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट PMU करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है जी। ये जी कह रहा है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसमें सबसे पहली वैकेंसी हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO PBS 21 मेरिट की है, अर्ल सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान, हैविंग एज लिमिट 50 से 65 साल, 16 ईयर एजुकेशन फ्रॉम HUC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, MBA MPA स्पेशलाइज्ड डिग्री फील्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इन लीडिंग मैनेजिंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रेफर्ड, एक्सलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर डिप्टी सेक्रेटरी एडमन आता है, पे स्केल 18 के अंदर है, 1 मेरिट की है जी, ऑल सिटीजन पाकिस्तान, 35 से 55 साल एज लिमिट, एजुकेशन ऑन डिप्रेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम पब्लिक स्टोर, हैविंग एटलीस्ट मास्टर डिग्री एंड एनी फील्ड फ्रॉम एनी रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी HEC, प्रेफरेबली MBA MCOM, एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, यानी इंतजामी का 10 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का। सिक्योरिटी ऑफिसर PBS 17 के अंदर 1 मेरिट की है, रिटायर्ड ऑफ द, हैविंग 10 ईयर सर्विस इन द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पाकिस्तान, एटलीस्ट मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी फील्ड आर एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड HEC ऑन डुप्लीकेशन, 5 ईयर सर्विस इन द सिक्योरिटी रिलेटेड डिपार्टमेंटेशन, रिटायर्ड आर्मी पर्सन और टू द पुलिस ऑफिसर प्रेफर्ड, एज लिमिट 40 से 50 साल है। आगे अकाउंट कैशियर पे स्केल 16 के अंदर 1 मेरिट की, पंजाब से, ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हैविंग 25 से 40 साल एलिमेंट, BCOM और इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ द रेवलेंट फील्ड ऑफ द फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी HEC, हैविंग 3 मंथ डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर स्टडी, आज 3 मंथ का डिप्लोमा करता है कंप्यूटर का बेसिक जो होता है। आगे था असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, बहुत एंड पोस्ट है जी, एक ही पोस्ट है मेरिट की, 16 ग्रेड के अंदर है, ऑल सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान, हैविंग एज बिटवीन 25 से 40 साल है जी। इसने एक मेरिट भी लिखी है, ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान साल लिखती है, बी और इक्वन डिग्री ऑफ एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, हैविंग फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ HEC। वैसे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी APS, इसने शॉर्ट हैंड वगैरह तो उधर लिखी नहीं हुई, शायद अगर ना इनको ज़रूरत हो। आगे जी रेगी करतानी, पे स्केल 14 के अंदर 4 पोस्ट है, पंजाब से, मेल, आल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, 25 से 35 साल एलिमेंट, मेडल फ्रॉम रेकोगनाइज बोर्ड विल द श्री गुरु पंचर साहेब कैन डू द विद करतारपुर कॉरिडोर स्किल, बेसिक नॉलेज अबाउट रग कैन प्ले तलबा हारमोनियम मस्ट बी गुरु सिख एंड अमृत डेरी फ्यूचर्स क्राइटेरिया सिख रिलीजन। देखा ये सिखों के लिए है, ये उनकी है कोई वैकेंसी, मुसलमानों के लिए नहीं है। आगे आता है गार्ड स्पेस के 9 के अंदर 5 पंजाब से, 4 मेल की 1 फीमेल की, मस्ट भी पाकिस्तान सिख, एलिमेंट 25 से 35 साल, मैट्रिक फ्रॉम रेकोगनाइज बोर्ड वेल विद सरी गुरु घर साहब मस्ट बी गुरु सिख अमरदारी फेथफुल क्राइटेरिया ऑफ द सिख रिलीजन कंपेटेबल क्रोनोलॉजी गुरु अनोखी लैंग्वेज, यानी कोई लैंग्वेज ही है उनकी जिसको मैं उसके लिए। अगर पार्टी सिंह पीस के 9 के अंदर 5 पंजाब से 4 मेल 1 फीमेल आल सिटीजन ऑफ हैविंग द 25 से 35 साल एलिमेंट मिडल रेकोगनाइज बोर्ड वेल द वर्सर ऑफ द गुरु गंगा साहब, ये सिखों की है जी कोई जबान वगैरह की। उसके आगे आता है स्वेटर्स पे स्केल 9 के अंदर 15 पोस्ट पंजाब की है, 12 मेल की है, 2 फीमेल की, 1 मिनोरिटी के लिए, आल सिटीजन ऑफ फॉर द कम्युनिटी पाकिस्तान सिख से सिटीजन, हाँ जी ये सिखों की है सारी, 25 से 35 साल एलिमेंट मिडल फ्रॉम रेकोगनाइज बोर्ड वेल द, इसको भी हम छोड़ दें। आगे हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की पे स्केल 5 के अंदर 30 पंजाब से, 24 मेल और 3 फीमेल की, आल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान,
अच्छा मिडल विद फॉलोइंग ऑफ द कंडीशंस, हाइट 5'7", मेल चेस्ट 33/34। उसके बाद जी फीमेल की एक बट वो हाइट 5'4" है वगैरह, नरवल हैविंग बिटवीन 25 से 50 ईयर एज लिमिट। उसके बाद ड्राइवर की पाँच पेस की 5 के अंदर 3 वैकेंसी हैं, ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान प्रेफरेबल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नरवल हैविंग द बिटवीन 25 से 50 साल, मिडल फ्रॉम एनी बोर्ड 5 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद कह रहा है कुक पंजाब से 5 पे स्केल ऑफ पंजाब से 15-12 मेल है और 2 फीमेल है, एक मिनोरिटी कोटा है, ऑल सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान प्रेफरेबली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नरवल हैविंग बिटवीन 25 से 50 साल, मिडल फ्रॉम एनी बोर्ड एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर इलेक्ट्रिशियन पे स्केल 5 के अंदर 2 पंजाब से मेल है, ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान प्रेफरेबली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नरवल हैविंग द बिटवीन 21 से 50 साल एज लिमिट। मैट विद रेकोनाइज बोर्ड 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल कोर्स फ्रॉम टेपटा बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल। अगर नायब का सर 5 पे स्केल 5 के अंदर 5 वैकेंसियाँ, एक मेल की एक फीमेल की, ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैविंग प्रेफरेबली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नारोवाल बिटवीन 25 से 35 साल एज लिमिट, मिडिल क्लास पास, फिजिकल फिटनेस। अगर माली पे स्केल 1 के अंदर की 10 पंजाब से हैं, 8 मेल है, एक फीमेल, एक मिनोरिटी कोटा, ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान प्रेफरेबली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नारोवाल हैविंग एज बिटवीन 25 से 60 साल एज लिमिट, प्राइमरी फ्रॉम एनी बोर्ड एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद स्वीपर पे स्केल 1 के अंदर है जी 20 पंजाब से, 17 मेल, 2 फीमेल, एक मिनोरिटी कोटा, ऑल सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान प्रेफरेबली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नारोवाल हैविंग एज लिमिट बिटवीन 18 से 60 साल। एलिजिबल यानी पढ़ा लिखा नहीं है, कह रहा है कि फिटनेस होनी चाहिए इसकी। अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर है पे स्केल 1 के अंदर 2 वैकेंसी हैं, दोनों पंजाब से मेल, ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान प्रेफरेबली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नरोवाल हैविंग द बिटवीन 18 से 60 साल एलिमेंट, मिडिल पास फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड विद 3 साल 3 ईयर एक्सपीरियंस। अगर डेवलपमेंट कंडीशन आती है, रिटर्न एप्लीकेशन पेस्ट ड्राइव फ्राम अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्री डेस्टिनेशन शोइंग डेट बर्थ ऑफ थ्रू पोस्ट मस्ट द ऑफिस अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द 9th कोर्ट स्ट्रीट लाहौर विद 15 डे ऑफ द पब्लिशन एडवर्टीजमेंट। वो कहता है टेस्ट शो द फॉर्म और सारी उसकी कॉपियाँ जो आपकी फोटोग्राफ है, टेक्निकल का, एजुकेशन का है, जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह टेक्निकल की चीज़ के लिए अप्लाई करो, सारा कुछ अटेस्टेड करा के 15 दिन के अंदर अंदर इनका जो ऑफिस है लाहौर के अंदर वहाँ पहुँच जानी चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव ड्यू डेट नॉट वीक्स, कहता अनकम्प्लीट और जो डेट के बाद पहुँचेगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट बाई हैंड, कहता बाई हैंड और ईमेल जो है ना वो भी एप्लीकेशन नाकाबिल कबूल है। उसके बाद कह रहा है कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द रिस्पीड ऑफ द इंक्रीज, वो कह रहा है ये कंपिटेंट अथॉरिटी है, उसको ये इख्तियार है, उसको पोस्टों में ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड मिडल फिटनेस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंट, कहता है ये मेडिकल फिट होना चाहिए आपका, ये आपने इंटरव्यू के बगैर सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद वो कह रहा है ऑनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द कार टेस्ट इंटरव्यू, कह रहे जी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, नो TDI विल बी इम्पॉसिबल फॉर द टेस्ट इंटरव्यू, वो TDI नहीं दिया जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ द एज 5 ईयर गिवन द सीरियल नंबर 4-18 पर रोड फेड रिक्वायरमेंट, कहता जी एज लिमिट जो राय दी जाएगी 4-18 सीरियल तक फेडरल गवर्नमेंट के गवर्निंग के मुताबिक। द सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने ऑन द एप्लीकेशन फ्राम द एप्लीकेशन अवेलेबल विद आउट डाउनलोड वेब www.kartarpur.com/pk, कहता है इस वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, उसको फिल करना है, साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के इस पते के ऊपर भेजना है लाहौर में, जो ऊपर पता मेंशन किया गया ये मैनेजमेंट यूनिट एवन ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड 09 कोर्ट स्ट्रीट लाहौर, यहाँ पर भेजना है। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑफ द ऑफिस द अंडरसाइंड ड्यूरिंग द रेगुलर ऑफिस आउट ऑफिस टाइम के अंदर अंदर। अगर डिप्टी सेक्रेटरी एडमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट करतारपुर कॉरिडोर 042-99-11-047, ये वेबसाइट है। ये जी इनकी वेबसाइट के ऊपर से अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इस पते को भेज देना है। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से मज़ीद आप अच्छी तरह चेकआउट कर लीजिए। फिर भी कोई चीज़ समझ न लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। बाकी आप ये नीचे इनका नंबर भी है, यहाँ से भी आप मालूम हासिल कर सकते हैं जो भी आपको मालूम चाहिए होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें।